ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, धर्म का चश्मा हटाओ पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती हो रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये कानून यकीनी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि हिंदू मुस्लिम को बांटने के खिलाफ है। मतलब हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रही है मोदी और शाह की सरकार, जो तरीपार हरामखोर हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती है। यानी हमारे तिरंगा में जो ऊपर केसरिया है और नीचे में हरा रंग है, एक मजहबी रंग दिया जा रहा है जिसमें, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन यह समझाने के लिए बोल रहा हूं, बीच में जो शांति का, जो प्रेम का और हमारी बिरदी का, देश का ये है, उसको तोड़ना चाहता है। तो इन हरामखोर गद्दारों को ये सबक सिखाना है, यकीनी तौर पर वो गाली के लायक है, वो गद्दार है जो देश को बांटने का काम करता है। हम किसी भी तौर पर ऐसे हरामखोरों को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये लोग गद्दार हैं, जो हमें बांटना चाहता है वो चाहता है हिंदू मुस्लिम लड़ाई करे, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा के सपोर्टर हैं। इस महफिल में सारे लोग हैं जो संविधान को लेकर चलना चाहते हैं। ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि आर्टिकल 14 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्विलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के हिसाब से आपको समानता दी जाएगी, विधि के समक्ष समता का अधिकार, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध या फिर कहाँ का है वो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। तो ये लड़ाई संविधान और देश के गद्दारों के बीच है, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई उन गद्दारों और जो शांति चाहते हैं, जो एकजुटी चाहते हैं उनके बीच है। तो हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए और किसी भी सूरत में इनके बदनीयति को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनका साथ नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकार आज रोड में है और उनको डिटेन किया गया है, यही सबूत है। कल बम्बई में एक आंदोलन हुआ जिसमें उम्मीद थी कि 10-12 हजार लोग आएंगे, लेकिन 50 हजार और लाखों लोग आए जिसमें कोई भी सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ा नहीं था। ये सबूत है कि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब जो सीए है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है। और आपको यह जानना बेहद जरूरी है, जो एनआरसी आसाम में लागू किया गया वो सफल नहीं रहा। कानूनी तौर पर या सरकारी आंकड़े के तौर पर जो सरकार का खर्च हुआ वो लगभग 1600 करोड़ हुआ, लेकिन लोगों को आधार कार्ड बनाने और दौड़ भाग में लगभग 800 करोड़ खर्च हुआ। तो किसी भी तौर पर ये कामयाब नहीं है। तो सरकार जो हमें बांटना चाहती है उसको हमें तोड़ना है। और हम क्या नीतीश कुमार की कोच है, कहे का एनसीआर हरामखोर, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा डीएनए पहले से दूषित है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम झूठ बोल रहे हो नीतीश कुमार, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने 2014 में जो वोट लिया महागठबंधन के नाम पर, आज तुमने ठगबंधन किया है, तुम्हारा डीएनए यकीनी तौर पर दूषित है। तुमने उस टाइम डीएनए इसलिए नहीं भेजा था कि हिंदू बिहार का डीएनए कैसा है, तुमने इसलिए डीएनए भेजा था कि मेरा डीएनए सही है। हरामखोर, तुमने नीतीश कुमार, तुमने डीए जो नरेंद्र मोदी को डीएनए भेजा था, तुमने अपना डीएनए साबित करने दिया था कि मेरा डीएनए दोहरा है, दूषित है, संघीय डीएनए है। यही सबूत देने के लिए तुमने महागठबंधन के नाम वोट लेकर के ठगबंधन किया और आज फिर दोबारा एक बार तुमने उधर वोट दे दिया, कानून लागू कर दिया और बोल रहे हो कि काहे का एनआरसी। यकीनी तौर पर तुम सच बोल रहे हो, लेकिन तुम पर हमें यकीन नहीं है, तुम झूठे हो। नीतीश कुमार, तुम्हारा डीएनए दूषित है, हम इस बिल का विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत की संविधान। मैं यहाँ पे आए हुए जितने भी इस ठंड में जितने भी आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, माँ और बहनों, आप सबको मेरा सलाम आदाब प्रणाम।